मशहूर पुलिस अफसर के साथ कराएंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं और उनका नाम है लाल यादव। नमस्ते। हम आपको कुछ नहीं समझते, निकल जाओ हंसते हंसते। हमने सुना है कि आपने सुल्ताना डाकू को पकड़ा है। ये इल्जाम है मेरे पे, मैंने नहीं पकड़ा। मरवाएगी मेरे को, पूरा खानदान मेरे पे आ जाएगा। मैंने नहीं पकड़ा, मैं तो उस दिन उसूली पे गया हुआ था, अल्लाह जानता है। मैं तो नहीं पकड़ा, मैं पकड़ता ही नहीं। अच्छा, ऐसे आदमी को नहीं पकड़ा था, इनका खानदान बहुत बड़ा। वो तो उस दिन उसूली समझती है, ठेले वाले से, रेड़ा वाले से। हाँ, उस पे गया हुआ था। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आपने बहराम डाकू को पकड़ा है। उसको पकड़ा मैंने। कैसे पकड़ा? ससुराल डाके डाला था एक जगह। अच्छा, रात के 2:30 बजे मुझे खबर आई कि डाके डाला, मैं डालने थे। हाँ, डाल ले फिर बताइए मुझे। हाँ, डाल के निकला, मुझे फोन आ गया कि डाका पड़ चुका है, वो निकल चुका है। मैं कहा मैं भी निकल रहा हूँ। हाँ, मैं निकल लिया उसके पीछे। हाँ, हम दोनों जंगल में तनहा। हाँ, जंगल में भाग गए ना वो। हाँ, अकेले भाग रहे दोनों। हाँ, जंगल में। हाँ, रेस लग रही दोनों की। हाँ, लो जी वो आगे आगे। हाँ, मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। फिर मैं आगे निकल गया, वो पीछे रह गया। मैं कहा सुस्ता लूँ, अभी इधर से निकलेगा। मैं बैठ गया, फिर उधर से निकला। मैं किधर, इधर हूँ, भाग भागा। फिर मैं उसके पीछे हो लिया। फिर मुझे याद आया कोई काम। हाँ, मैं कहा घर जाता हूँ। हाँ, घर आया, जीप निकाला, फिर उसके पीछे हो लिया। हाँ, मैं कहा जीप में बैठ। हाँ, थक गया होगा बैठ। हाँ, कच्चा निकल जाए। हाँ, पक्का रोड आया, फिर भागियो। हाँ, पक्का रोड आ गया। हाँ, मैं कहा उतर भाग। हाँ, मैं भी जीप से उतरा, वही भागा। हाँ, मैं उसके पीछे पीछे। हाँ, और रात का टाइम 2:30 बज रहे हैं। हाँ, हैं भाग रहा जवान का बच्चा, मैं भी भाग रहा हूँ उसके पीछे। अचानक दलदल दलदल दलदल, उसने जंप मारी है, निकल गया। मैंने मारी है दलदल के अंदर। अब रात के 2:30 बज रहे। हाँ, जंगल में ना आदमी ना आदमी जात। हाँ, न चरिंद न परिंद। हाँ, मैं अकेला। हाँ, दलदल में जा रही हूँ आस्ते आस्ते। हाँ, अब मैं क्या करूँ। हाँ, अचानक जहर में तरकीब आई। हाँ, बराबर वाले गांव में गया। हाँ, रस्सा लाया। हाँ, खुद को निकाला, फिर भागा उसके पीछे। फिर मैंने उसको पकड़ा। हाँ, पकड़ के ले आया। हाँ, आजकल ठीक ठाक रह रहा जेल में, थैंक गॉड। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मुर्गी चोर पकड़ लिया। पकड़ा आपने? रात को जो पिटाई की मैंने उसकी। हाँ? थाने में अंधेरा करके सुबह तक मारता रहा। हाँ? सुबह छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? मेरा अब्बा निकल आया ना। फिर उसको समझाया, अब्बा मेरा इलाके इधर ना क्या करगा, हम दूसरे इलाके में क्या करें। अच्छा अच्छा, वैसे हमने सुना है कि जैसे आप पुलिस में भर्ती हुए थे, आपने ऐलान किया था कि शराब की प्रॉब्लम को आप खत्म कर देंगे, इज दैट राइट? यस। कैसे? अरे याद आया शराब पे। हाँ, हमारे तो एक डॉक्टर रहता है। हाँ, मुझे किसी ने बताया शराब छुड़ा देता है। हाँ, मैं क्या तू शराब छुड़ा देता है? हाँ, बोला मैं छुड़ा देता हूँ। हाँ, मैं कह यार बराबर थाने में मेरी 2 पेटी पकड़ेगी, जरा छुड़वा दे। एडिट। समझ गई ना? हाँ जी, हाँ जी, समझ गई। मैंने सोच लिया है। हाँ, मैं दुनिया से नशा खत्म कर दूंगा। नशा कैसे खत्म? मेरा खानदान और मैं मिलकर खत्म कर देंगे। कैसे? पी पी के। वैसे लाल यादव जी, आपकी शादी हुई है? ये भी एक वाकया है। ये भी? हाँ जी। हाँ, अब्बा के 2.5 लाख चाहिए थे एक आदमी पे। हाँ, वो दे नहीं पा रहा था। हाँ, उन्होंने कहा भाई मेरी बच्ची से अपने बच्चे की शादी करा दे। मैंने अब्बा से कहा था अब्बा करा दे, मेरी किसी होनी तो है ही नहीं। उसूल भी हो जाएगी, बच्ची भी घर में आ जाएगी। हाँ, आपके बच्चे बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। क्यों? नाइट ड्यूटी होती है ना। अच्छा, समझदार है, सियाणी है। वैसे ये सारे सवाल तो मैं आपसे बाद में पूछना चाह रही थी। हाँ, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये था आपसे। हाँ, कि आखिर आप पुलिस में भर्ती कैसे हुए? बताता हूँ। सही आ रहा ना? हाँ जी। हाँ, चलो सब डाल दियो। सही है ना? सही। मैं पुलिस में कैसे आया? हाँ, पुलिस में कैसे आया? बैठ के बना ले बेटा, बैठ के बना ले, बैठ के पूरे सूट का बनेगा ना जरा सा। और लेट जा, लेट जा, लेट जा बेटा, लेट जा, बिल्कुल इधर लेट जा, इधर लेट जा, लेट जा, लेट के बना। देखिए मैं लेट हो रही हूं, आप जरा जल्दी करेंगे। पुलिस में कैसे आया? हाँ, माँ की बदुआओं से। माँ की बदुआ से? बस एक दिन मैं टुनकी में बैठा हुआ था। हाँ, टुनकी समझती है ना, दुनिया में क्या आम लेने आई है तू, जो कुछ पता ही नहीं है। पिनकी में बैठा हुआ था मैं। अच्छा, पिनकी बैठा। माँ ने कहा बेटा पैसा दे दे घर के खर्चे के लिए। हाँ, मैंने धुतकार दिया। हाँ, मैं कहा मैं चल जा काम कर, चल चल। हाँ, बस अम्मा ने वही झोली फैला के बदुआ दे दी। हाँ, कि जैसे मैं मांग रही हूँ अल्लाह करे सारी जिंदगी तू ही मांगता रहे। पुलिस में आ गया फिर मैं। फोन आ रहा, फोन, मोबाइल है मेरे कने। हेलो, बड़ा ऑफिसर लगता है। हाँ बेगम बोलो।
होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर घर की। हेलो, बैठ के बना, बैठ के मोबाइल के साथ बैठ के बना, बैठ जा, बैठना नहीं आता तेरे घर में किसी को। लो लेट गया सर, हम लेट। ये मेरा क्या इंजन खोलने लगा क्या? हाँ बेगम बोलो। पड़ोस में डाका पड़ रहा रिजवानी क्या? पढ़ने दे मेरा उसे, आजकल ठीक ठाक नहीं पेगा। हाँ पढ़ने दे, मेरा पूछ रहे हैं, बोलना वो छुट्टी में। हाँ ड्यूटी ऑफ कर चुके हैं, अब नहीं आ सकते। बस ठीक है ना, बस ठीक है, बंद कर। और तो मैं चाय पिलाऊं? अरे नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए ना जहाँ डाका पड़ा है। डाके तो रोज पड़ते रहते हैं, चाय तो कभी कभी आदमी पीता है, और आप जैसे के साथ तो कभी कभी पीता है। आइए तू भी आ जा, कमरा लेके चाय की बनाइयो, आ जा। लंगूर की तरह के कर रहा भाई? भाई बल्लू तबीयत खराब चल रही है बहुत यार। क्या बात है तिवारी, आजकल तू घटी घटी बीमार क्यों पड़न लग रहा है? अभी भी बहुत परेशान कर रखा है यार, जीने नहीं देती दिन रात, टैं टैं पैं पैं। और मैं यार 100 साल तक जीना चाहता हूँ, क्या करूँ यार? रब्बावड़े, तू 100 साल जीना चाहता है? उसका तो मेरे पास 100 उपाय है भाई। बताना तुझे मेरी दोस्ती की कसम, बताना बताना। अरे भाई कसम ना दे, मेरा उपाय तो सुन। बता यार। तू एक काम कर तिवारी, तू 4-5 शादी कर ले। और 4-5 शादी करने से मैं 100 साल तक जी पाऊंगा? 100 साल तक जी पाएगा कि नहीं ये तो गारंटी ना से, पर शादी की टेंशन से तू 100 साल का लगड़े जरूर लगेगा पावड़ी पूछ। Yes, sir. अब छोड़ यार, अभी तंग मत कर, जा। अरे मेरे दोस्त, तू बता ना यार इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? देख यार, देख तुझसे एक बहुत जरूरी एडवाइस लेनी थी। बोल यार बोल। यार यार मुझे आजकल ना मेरी पत्नी पर बहुत शक हो रहा है। क्या? हाँ यार, यार आजकल वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती यार, और हर वक्त घर से बाहर रहती है। क्यों? पता नहीं क्यों यार, लेकिन लेकिन मैं घर पहुंचता हूँ ना तो मेरे बाद घर आती है, और जब उससे ये पूछो कि तुम कहाँ थी तो कहती है मैं अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ थी, और जब ये पूछो कि ऑफिस के दोस्त कौन तो कहती है आप उन्हें जानते थोड़ी ना है। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि आज तो मैं पता करके रहूंगा। तो तूने क्या किया? मैंने उससे कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफिस गया नहीं, मैं अपने गैराज में अपनी बाइक के पीछे छिप गया। फिर यार फिर मैंने देखा कि बोल यार, मेरे दोस्त बोल। फिर मैंने देखा कि मेरी बाइक का ऑयल लीक कर रहा है। बस यही एडवाइस लेनी थी यार, बाइक के साथ क्या करूं, उसे सर्विस स्टेशन भेज दूं या फिर अपने लोकल मैकेनिक से ठीक कराऊं? पता यार। डॉक्टर बाबू, ए डॉक्टर बाबू, इस ऑपरेशन के बाद हमारे गुर्दे फेफड़े काम तो करेंगे ना? हमें हमारा काम करने दो मित्र, हम हमारा काम करेंगे तो तुम्हारे गुर्दे और फेफड़े भी काम करेंगे। सच? नर्स ए नर्स, आपने बुलाया डॉक्टर? नर्स, वो ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी है ना? जी हाँ डॉक्टर साहब। और वो जो मैंने बहुत ही जरूरी चीज मंगाई थी वो भी तुमने मंगा ली है ना? हाँ डॉक्टर साहब। आप किस जरूरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर? ये वो जरूरी चीज है जो हर हालत में तुम्हारे या मेरे काम जरूर आएगी। अच्छा अच्छा, इसी माला के बारे में बात कर रहे थे ना आप? माला? यह किस काम आएगी? अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो मेरे काम आएगी, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे काम आएगी। हाँ?